मेवात क्षेत्र के गोपालगढ़ हैबत का गांव में पैसे की लेन देन रंजिश के चलते एक युवक की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि मृतक के पिता शमसू ने गोपालगढ़ थाना को लिखित शिकायत दी, जिसमें बताया कि हैबत का गांव से मेरे पुत्र सहारू को कुछ लोग बहला फुसला कर हेल्परी के तौर पर गाड़ी पर ले गए। सहारू इससे पहले दूध का काम करता था। सहारू के करीब 1.5 लाख रुपए तबीयत उर्फ तब्बी पर उधार थे। इस बात को लेकर मेरे पुत्र शाहरुख से उपरोक्त सभी लोग रंजिश रखते थे। सभी बातें मृतक ने अपने पिता को फ़ोन पर पहले बता चुका है। इतने नहीं, मृतक के भाई इरशाद को फ़ोन पर शाहरुख ने फ़ोन पर बताया कि वे लोग मुझसे झगड़ा करते हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं, मैं जल्दी ही गाँव आऊँगा। मृतक के पिता ने बताया कि आज 5 जनवरी को मेरे लड़के सहारू की डेड बॉडी एक कंटेनर में पटक कर हैबत का मोड़ गोपालगढ़ पेट्रोलियम के पास लेकर आए और कंटेनर सहित छोड़कर फरार हो गए। सभी आरोपियों को भागते हुए देखा गया है। कंटेनर में एक्सीडेंट का कोई निशान नहीं है। सहारू की पहचान को छुपाने के लिए भरपूर कोशिश की गई। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों ने मिलकर शाहरुख की हत्या की है। मृतक परिजनों ने गोपालगढ़ थाना पुलिस से न्याय इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग गोपालगढ़ पुलिस से की है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम अब्बास, गांव हैबत का, तहसील पहाड़ी, जिला भक्तराजनाथ में बोल रहा हूँ। मेरे ताऊ का लड़का जिसका नाम शाहरुख है, उसके पिताजी का नाम शमसू है और उसका दोस्त जारला वाला उसको बहका कर गाड़ी पर लेकर कल रात को 8 बजे उसको मर्डर कर दिया। उसके पेट में सरिया मारा गया, उसके मुंह को गलसरियों से तोड़ा गया, राड़ दी गई, 18 उसका मर्डर कर दिया गया।